हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे इज अ मंडे, अ फ्रेशन अप डे। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद अवर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ सेम टॉपिक। अवर टॉपिक वॉज रनिंग ऑन दैट वॉज अ एनिमल हस्बेंडरी, एंड इन दैट एनिमल हस्बेंडरी वी हैव डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जस्ट अ सेकंड। So in the animal husbandry topic, we first started with the management of farm and farm animal. Then we talk about dairy management. Then we talk about poultry management. The next lecture was on the basis of animal breeding as well as apiculture. And now in today's lecture, we are going to discuss three important topics. First one, as you can see, fishery. Then after fishery, we will discuss lake culture and sericulture. These are all these three things, three topics are very small topic. Okay. And since from tomorrow, we will begin a new topic that will be called microbes in human welfare. Yes, let's start. What does it mean by fishery? What you guess the word from fishery? तो जब भी हम ये शब्द हमारे सामने आते हैं fishery, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं फिशेस को ग्रो करना और उनको पानी में से निकालना और बेचना, ठीक है? सिर्फ यही चीजें सोचते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये काफी अजीब, मतलब काफी बड़ी चीज है। फिशरी इज अ वन टाइप ऑफ अ बिजनेस इन विच वी आर ग्रोइंग, कल्चरिंग, स्टोरेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग फिशेस, लॉबस्टर, प्रॉन, क्रैब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच ऑल कम्स अंडर सी फूड एनिमल। फिशरी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम ग्रो करते हैं, जिसमें हम इनको स्टोरेज करते हैं, जिसमें हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं और फाइनली सेल करते हैं। किसको? फिशेस को। यस, फिशेस को, क्रैब को, प्रॉन को, लॉबस्टर को और उन सभी एनिमल को जो सी फूड में खाए जाते हैं, ठीक है? अभी कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे चाइना जैसी कंट्री देख लो, वहां पे स्नेक भी खाते हैं। तो कुछ जो पानी वाले स्नेक होते हैं उनको खाया जाता है उन कंट्रीज में। हमारे इंडिया में इतना नहीं होता है, मे भी कोई जगह पे होता भी होगा, बट आई डोंट थिंक सो। यस, सो जो ऐसी कंट्री है जो ये सी फूड खाते हैं, तो उन सभी फूड को हम ग्रो करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं और फाइनली उनको सेल करते हैं। तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं फिशरी। फिशरी का मतलब सिर्फ एक फिशेस को ग्रो करना ये नहीं होता। यस, फिशरी इंक्लूड्स, फिशरी इंक्लूड्स सी फूड, सी फूड such as fishes, crab, lobster, prawn, etc. etc. So fishery includes collection of fishes, crab, lobster, prawn, storage of them, collection of them, storage of them, transport of them, laboratory diagnosis of them and finally selling of them. तो fishery क्या है? Fishery एक ऐसा business है जिसमें हम इन सभी animal को collection करते हैं, इनका collection करते हैं समंदर में से, नदी में से, या तो आप कहीं से भी आप कह लो, मैं आपको कौन कौन सी जगह होती है मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। तो फिशरी में हम इन सभी का कलेक्शन करते हैं, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सभी का स्टोरेज करते हैं प्रॉपरली और इन सभी का लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं, मतलब टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद इन सभी की सेलिंग करते हैं। तो ये होता है फिशरी। नाउ आई टेल यू, देर आर बेसिकली थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फिशरी। देर आर बेसिकली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशरी। फर्स्ट फिशरी इज
marine fishes. Second one is Asturian fishery. First one is marine fishery, second one is Asturian fishery, and third one is you can say river fishery. So I'll tell you what is marine fishery, what is river fishery, and what is the Asturian fishery. So basically ये जो river fishery है, common word use किए गए हमने. Yes, river fishery means collection of fishes, crab, lobster and prawn from river. It is called river fishery. ठीक है, collection of fishes, crab, lobster, prawn from the sea, it is called marine fishery. And collection of fishes, crab, lobster, prawn and all this animal, seafood animal, from combination place of a river and sea, it is called Asturian fishery. अगर आप इन सभी एनिमल को सी में से, समुंदर में से कलेक्ट करते हो तो इसे होगी मराइन फिशरी. लेकिन अगर आप इन सभी को नॉर्मल सी, नॉर्मल रिवर में से कलेक्ट करते हो, नदी में से कलेक्ट करते हो, तो हम उसे कहेंगे रिवर फिशरी. यस, लेकिन अगर आप इन सभी एनिमल को कोई एक ऐसी जगह से कलेक्ट करते हो जो मिक्स है, जहां पे समुंदर और नदी मिलती है. यस, इफ यू आर कलेक्टिंग ऑल दिस एनिमल्स फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस वेयर सी एंड रिवर आर ज्वाइनिंग विथ ईच अदर, देन सच प्लेस इज कॉल्ड एस्टुरियन एरिया एंड सच फिशरी इज कॉल्ड एज अ एस्टुरियन फिशरी. तो ऐसे तीन प्रकार के फिशरीज होते हैं. अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी कॉमन फिशेस जो पूरी दुनिया में पाई जाती है. यस, सम कॉमन फिशेस. यस, व्हाट आर सम कॉमन फिशेस? सम कॉमन फिशेस मीन्स फिशेस वेयर यू विल गेट एवरीवेयर, हर जगह पे अगर आपको मिल जाते हैं वो फिशेस, उनको हम कहेंगे कॉमन फिशेस. लाइक कॉमन फिशेस आर लेबियो रोहिता, यस, केटला, सेरिना, मृगला. लेबियो रोहिता, केटला, सेरिना, मृगला, सर्डिनेला, हर्पेडॉन इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्बे डक, देन स्ट्रोमेटस ऑल्सो कॉल्ड पॉम्परेट. यस, स्ट्रोमेटस इस फिश को हम पॉम्परेट भी कहते हैं. और एक ये आती है रोस्ट्रिलेजर. So what are this? These are the common type of fishes found in everywhere. I'll tell you again one name. You can say Lebio Rohita. Ketla. This Ketla is the name of genus and this is a species. Ketla. Then Sirena Mrigula. Sardinella. Harpendon, also known as Bombay duck. Bombay duck is a name of a harpendon, common name of harpendon. Then stromatus, also known as a pomfret, and rostrelager. These are some common name of a common fishes found nearby places. अब आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ और चीजें बता दूं. From this seafood, like fishes, crab, lobster, and prawn, we are not getting their animal feed. We are also getting some other food product. Like there are so many fishes from which oil is collected, and this oil is help in treating so many kind of a bone related problems. Yes, even though several doctors and cardiologists says that fish eating is a good to be a healthy heart. Yes, for the healthy heart, fish eating is a good one. I'm not talking about all other animal, I'm talking about fish, inducer fish. Now I'll tell you
there are two different type of fish growing. There are two different type of fish growing. If you want to grow or if you want to do the farming of fishes, then there are two different type of fish growing. One is a monoculture. Second one is polyculture. Yes, if you want to grow the fish, then you have to select few important things. अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप YouTube पे कुछ फिश फार्मिंग के ऊपर वीडियो सर्च करोगे तो आपको ऐसी काफी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियली अपने अपने एरिया में अपने टेरिस के ऊपर या तो कोई ऐसी शेड बनाते हैं ऐसी जगह बनाते हैं जिसमें वो छोटे छोटे पॉन्ड बना देते हैं और उस पॉन्ड में वो क्या करते हैं मोनोकल्चर करते हैं या तो पॉलीकल्चर करते हैं। अभी मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर का मतलब क्या हो, मान लो जो फिशेस का बिजनेस करना चाहते हैं जो फिशेस मार्केट में बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए उनको फिशेस को ग्रो करना पड़ेगा और ग्रो करने के लिए उनको एक ऐसा एरिया बनाना पड़ेगा जैसे फिशेस को लगे कि हम ऑलरेडी रिवर के अंदर हैं। तो छोटे छोटे पॉन्ड बनाए जाते हैं। अगर आप उस पॉन्ड में एक ही स्पीसीज के फिशेस को ग्रो करते हो, मान लो एक आपने 10x10 स्क्वायर फीट का एक पॉन्ड बनाया, ऐसे आपने 10 पॉन्ड बनाया, ठीक है, लेकिन एक पॉन्ड के अंदर आप सिर्फ लेबियोरोइटा ही रखते हो और दूसरे पॉन्ड के अंदर आप केटला केटला ग्रो करते हो, तो एक फिश आपने एक ही पॉन्ड में रखे, भले उसके 1000 फिशेस क्यों ना रख दो लेकिन स्पीसीज एक ही है केटला केटला, तो उसे हम कहेंगे मोनोकल्चर। लेकिन अगर एक एक पॉन्ड के अंदर लेबियोरोइटा केटला केटला सेरेना मिग्रेला ऐसा 3-4 स्पीसीज एक साथ में रख देते हो तो उसे आप कहते हो पॉलीकल्चर। क्या कहते हो? पॉलीकल्चर। सो मोनोकल्चर मतलब एक प्रकार की सिंगल स्पीसीज को ग्रो करना और पॉलीकल्चर मतलब अलग अलग प्रकार की स्पीसीज को एक साथ में ग्रो करना, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं पॉलीकल्चर। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, फिश प्रिजर्वेशन की तरह। क्या फिशेस को कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं? फिश प्रिजर्वेशन, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ फिश प्रिजर्वेशन, एवरीवन नोस। आप जो वीडियो देख रहे हो आप लोगों को भी ये क्लियर पता होगा कि फिश प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे फिश को पानी में से निकालते हैं तो फिश थोड़ी देर तड़फड़ाती है और उसके बाद वो वहीं पे मर जाती है, और जैसे ही फिश मर जाती है उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम में बंद हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है वो फिश के ऊपर अटैक करते हैं और फिश को क्या करते हैं, डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं। और अगर डिकम्पोज करना शुरू कर दिया फिशेस को, तो फिश का डिकम्पोज होने के बाद उसमें से बैड स्मेल आएगी और मार्केट में उसकी सेलिंग नहीं हो पाएगी। तो फिशेस को कलेक्शन करना इसका मेन पर्पस है मार्केट में सेल करना, लेकिन अगर मार्केट में सेल हो ही नहीं पाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिशेस को क्या करना चाहिए, फिशेस को प्रिजर्वेशन करना चाहिए। मतलब फिशेस को जैसे आपने पानी में से निकाला है वैसे ही मार्केट तक अच्छी कंडीशन में पहुंचाना, अच्छी कंडीशन में सेल करना, इसे हम कहते हैं फिश प्रिजर्वेशन। जैसे मार्केट में कोई ये फ्रूट जूस मिलते हैं, ठीक है, फ्रूट जूस इंडस्ट्री डायरेक्टली निकाले हुए नहीं, कंपनी से, जैसे काफी कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मान लो कंपनी जिसने मैंगो जूस प्रिजर्व करके कंपनी में से 3 महीने पहले लॉन्च किया होता है लेकिन आज वो मेरे पास आ रहा है, तो अगर मैं वो जूस पीता हूं तो उससे मुझे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर प्रिजर्वेटिव डाला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, सो सेम वे फिशेस को प्रिजर्व करना ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि कस्टमर तक वो अच्छी कंडीशन में पहुंचे। आई होप सो यू अंडरस्टूड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट इन अवर यू कैन से यूट्यूब लेक्चर, दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो, सो आई टेल यू फिश प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कस्टमर एंड यू आर बाइंग अ पर्टिकुलर जूस फ्रॉम एनी शॉप एंड दैट जूस इज ऑफ मैंगो और वाटरमेलन और व्हाटएवर, it is made from the company around 3 months before and when you are drinking it, suppose if they have not added any preservative, might you will suffer from food poisoning. Yes, to avoid this kind of a problem they have put it some preservative so that their juice will remain as it is, so once you will drink you will not suffer from any kind of problem,
you are safe to drink that water, you are safe to drink that juice containing a lots of water. So ultimately with a preservative you are safe, you are not going to have any kind of infection. So we are going to discuss how fish preservation is made, how fish preservation is done. So basically there are some techniques of fish preservation. First technique, salting. Second technique, freezing. Third technique, sun drying. Fourth technique, smoking. Fifth technique, canning. Yes, now see all this technique, I'll tell you one by one. Salting. Salting is a very common technique. What we have to do, when you are collecting this many seafood animals in a, you can say, boat, what you are doing, you have to put all this animal into the salty area, into the particular pond where too much salt is there. What you can do, you can put the layer of fishes and cover it by the salt. Again put the layer of fishes and again cover it by the salt. What happened? Salt basically changes the pH from acidic to the alkaline, and once it turns into the alkaline pH, basically the action of bacterial cell will become negative. Bacteria attack nahi kar payenge change pH, alkaline ho ya basic pH ho. Generally bacteria kaun se pH pe attack kar sakte hain? Neutral pH ke upar. Lekin salt ke karan pH change ho jata hai. To bacteria se aap fishes ko preservation kar sakte ho. Second, you can directly go for freezing. You can do two type of freezing. Directly put the fishes into the cold water, or either put the fishes into the refrigerator. Yes, so we have two different type of a freezing method. Third, sun drying. Sun drying is one of the best natural and zero cost, because sun is a natural source of heat. Lekin agar aap fishing collection winter or rainy season mein karte ho, so sun drying possible nahi. सनलाइट नहीं होगी, होगी भी तो इतनी इंटेंसिटी, इतनी वेवलेंथ, इतनी क्वांटिटी, इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी सनलाइट की. तो सनलाइट अगर इतनी तेज नहीं है तो ऑब्वियसली सन ड्राइंग करना भी पॉसिबल नहीं. लेकिन समर सीजन में तो ये बेस्ट है बाकी सबसे. एंड देन देयर इज अ स्मोकिंग. अभी स्मोकिंग कैसा होता है, जैसे हमें पता है कि ढाबे पे जैसे खाट वगैरह होती है खटिया, और उसमें बेसिकली रस्सी से हॉल बनाए होते हैं, वैसे एक पत्रे की या तो लोहे की ऐसी नेट वाली जाली होती जिसके ऊपर फिशेस रखते हैं, नीचे से आग जलाई जाती. तो क्या होता है उसमें फिश जो फायर में से स्टीम निकलती है, वो स्टीम फिशेस की स्किन को पूरा ड्राई कर देती है. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ड्राई एरिया पे कभी भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करते. तो ये फोर्थ मेथड हो गई. फिफ्थ होती है कैनिंग. अभी कैनिंग मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर अगर आप फिश मार्केट में जाओ तो आपको क्या देखेंगे, फिशेस होंगे वहाँ पे, वहीं पे पानी में से वॉश करके वहीं पे कट करके आपको कैरी बैग में डाल के दे देंगे. लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता. फॉरेन कंट्री में इन सभी फिशेस का रेंडमली सिलेक्ट करके इनकी लेबोरेटरी टेस्ट की जाती है, और टेस्ट करने के बाद ये एश्योर करते हैं कि इनमें से कोई भी इन्फेक्शन नहीं है फिश को, और उसके बाद ये आपको डायरेक्टली फिश को एक क्यूब फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में या तो कट करके एक कैन में भर के आपको दे देंगे. या तो ये ऐसे भी करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट हो जाने के बाद ये कैन में फिल करके रखते हैं, और मार्केट में वो कैन में ही अवेलेबल होते हैं, जैसे मशरूम आजकल कैन फॉर्म में पाए जाते हैं. सो ये भी है कैनिंग, विच इज अ मेथड ऑफ अ फिश प्रिजर्वेशन. सो दिस इज कंप्लीट अबाउट फिशरी. फिशरी इज नथिंग बट द बिजनेस रनिंग इन इंडिया सिंस फ्रॉम मेनी सेंचुरीज, वेयर वी आर कलेक्टिंग, वी आर ग्रोइंग, वी आर स्टोरेजिंग, वी आर ट्रांसपोर्टिंग, वी आर प्रिजर्विंग, and then we are selling fishes, crab, lobster and prawn. There are two different type of a fishery. One is a monoculture, means single fish type of growing, and polyculture means many different type of fishes are growing. And there are three type of fishery: marine, estuarine and river. River, collection of fishes from river; marine, collection of fishes from sea; and estuarine, collection of fishes from combination of marine and river area. These are some common fishes found in our nearby: Labiorhynchus, Ketla, Sirena migrella, Sardinale, Herpendon, also called Bombay ducks, Stromatus, also called Pomprate, and Rostral lizard.
and these are some methods of fish preservation like salting fish, freezing, sun drying, smoking and canning. Are you understanding what I have taught you? Do you got it? Please reply me. Come on. Come on, reply me. Do you understood everything about fishery? Come on guys, reply me fast. Clearly understood? Hello, come on, reply me fast. Shall we move forward to the next topic? Okay, next topic is sericulture, silk farming. Yes, now what does it mean by sericulture? So I'll tell you. Sericulture is applied branch of zoology which deals with culturing silkworm to produce silk. ठीक है, अब ये वाली डेफिनेशन लिखी, काफी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने बोर्ड पे. सेरिकल्चर इज अ अप्लाइड ब्रांच ऑफ जियोलॉजी. सेरिकल्चर जियोलॉजी की कैसी एप्लीकेशन वाली ब्रांच है जिसमें हम सिल्क वॉर्म को ग्रो करते हैं. ठीक है, सिल्क वॉर्म एक ऐसा कीड़ा होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्क. सिल्क मतलब रेशम. हम बोलते हैं ना ये रेशम का कपड़ा है, ये सिल्क का कपड़ा है. सिल्क की साड़ी आती है, रेशम की साड़ी आती है. तो रेशम की साड़ी जो होती है वो तो एक प्रकार का कपड़ा है. अब हमारे ये कपड़े होते हैं, ठीक है, ये क्लोथ होते हैं. ये क्लोथ किससे बने हुए हैं? ये क्लोथ कॉटन से बने हुए हैं. और कॉटन किससे बनता है? कॉटन सबसे पहले एक्चुअली ये क्लोथ है. क्लोथ किससे बनते हैं? ये थ्रेड से बनते हैं. और ये थ्रेड किससे बनता है? कॉटन से बनता है. तो बेसिकली अगर मान लो ये रेशम है, ये सिल्क है, तो सिल्क किससे बनेगा? सिल्क थ्रेड से बनेगा. और सिल्क थ्रेड कौन प्रोड्यूस करेगा? सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करेगा. तो इजी, एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. सेरिकल्चर ये जूलॉजी की अप्लाइड ब्रांच है जिसमें हम सिल्क प्रोड्यूस करने वाले कीड़ों को ग्रो करते हैं ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके? सिल्क क्लोथ प्रोड्यूस हो सके. सेरिकल्चर इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ जियोलॉजी. सेरिकल्चर इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच वी आर ग्रोइंग दी वॉर्म. विच वॉर्म? सिल्क वॉर्म, जस्ट टू प्रोड्यूस सिल्क क्लोथ. सेरिकल्चर एक ऐसी जियोलॉजी की अप्लाइड ब्रांच है जिसमें हम सिल्क प्रोड्यूस करने वाले कीड़ों को ग्रो करते हैं जिनको सिल्क वॉर्म भी कहते हैं. उनके नाम भी है, मैं आपको बता रहा हूं. रिमेंबर, सिल्क प्रोडक्शन इज द ओल्डेस्ट बिजनेस इन आवर इंडिया. सिंस फ्रॉम 12th सेंचुरी वी इंडियंस आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क. आई विल टेल यू, इन द वर्ल्ड 85-93% सिल्क इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 85-93% सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है. एंड आई टेल यू एज अ अदर बिजनेस ऑल्सो, सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन ऑल्सो रिक्वायर्ड अ परफेक्ट नॉलेज एंड स्किल
जैसे दूसरे बिजनेस में हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो आप पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करते हो या तो फिशरी स्टार्ट करते हो, तो आपको उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए और आपको प्रॉपर स्किल भी होनी चाहिए। सेम वे अगर आप सिल्क प्रोडक्शन करते हो तो आपको सिल्क प्रोडक्शन के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भरपूर सी, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और ये कैसे करते हैं उसकी टेक्निक, उसकी आर्ट, उसकी स्किल भी होनी चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सिल्क वर्म प्रोडक्शन एक हैंडीकैप पर्सन भी कर सकता है। यस, जो हाथों से पैरों से बेचारे लाचार है, जिसको और कोई बिजनेस करने में ऑप्शंस नहीं है, वो भी ये सिल्क प्रोडक्शन का, सिल्क वर्म प्रोडक्शन का बिजनेस कर सकता है, सिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। और ये काफी मतलब ये लो कॉस्ट बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट काफी कम है, काफी कम जगह की लागत लगती है, लेकिन काफी अच्छा बिजनेस है। यस, आई टेल यू, सिल्क प्रोडक्शन इज नॉट अ यू कैन से लो कॉस्ट बिजनेस। यस, 101% इन दिस बिजनेस वी हैव टू अप्लाई अ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू यूज अ वेरी लेस स्पेस, एंड इवन दो यू कैन से हैंडीकैप पर्सन वो डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन टू डू अनदर बिजनेसेस, दे कैन ऑल्सो डू दिस। We need a small information, we need a knowledge of business and proper skill. There are number of trainings are also available nowadays. I'll tell you, quality and quantity of silk depends on types of worm. ठीक है, सिल्क की कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन से सिल्क की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सिल्क वॉर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से प्रकार का कीड़ा यूज करते हो। आई टेल यू, there are three types of silk. First type is mulberry silk, which is best silk. इसके जैसा मार्केट में कोई नहीं, सबसे बेस्ट mulberry silk. Then there is a Tusar silk is also available. And then there is a Eri silk. Best quality and best quantity of a silk is mulberry silk. And it is produced by the worm called Bombyx mori worm. Bombyx mori worm. तो फिर से सुन लीजिए, there are three different type of a silk available in the market. One is a mulberry silk, which is best silk amongst all, and it is very having high quality. It is having good cost in the market. Second rank is a tusar silk, and third one is a eri silk. No doubt, tusar and eri are also good, but best one is mulberry. Mulberry silk is produced from the one worm, and the name of worm is a Bombyx mori. What Bombyx mori do? Bombyx mori eat some type of a leaf. Yes, and this leaf are very essential to produce a thread called silk thread. And collection of all these thread make a balloon-like structure, generally called a cocoon of a silk. And finally, when we get separated out, we get a silk. There is one big problem regarding the silkworm. You can say silkworm can suffer from some infection. Silkworm infection, such as infection by viruses, infection by bacteria, and infection by protozoa.
सिल्क वर्म को वायरस बैक्टीरिया प्रोटोज वाले इंफेक्शन भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सिल्क वर्म में वो प्रॉब्लम है ईट बाय एंट्स क्रो बर्ड्स। यस, कुछ कुछ मतलब जो चींटियां होती है, काफी सारी चींटियां एक सिल्क वर्म के ऊपर अटैक कर सकती हैं। क्रो और बर्ड्स ये भी डायरेक्टली सिल्क वर्म को खा जाते हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सिल्क वर्म को बचाने के लिए एक नई सी टेक्निक यूज की गई है जिसको हम कहते हैं केजिंग। अभी केजिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे धूप से बचने के लिए हम कैप पहनते हैं, ठीक है, कैप पहनते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कैप जैसे पॉलीथिल का मतलब पॉलीविनाइल जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और वो स्ट्रक्चर डायरेक्टली वर्म के ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो ऊपर से जो बर्ड्स होते हैं या तो क्रो होते हैं उनको वर्म दिखते ही नहीं है, और अगर वर्म दिखेंगे ही नहीं तो वो वर्म को खाएंगे ही नहीं। रिमेंबर बॉम्बिक्स मोरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फूड है वो है मुलबेरी लीव्स। तो मुलबेरी का एक प्लांट आता है और उसके जो पत्ते होते हैं मुलबेरी लीव्स, उसको खाने के बाद बेसिकली सिल्क वर्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको सिल्क वर्म के कुछ फोटो दिखा रहा हूं। See, as you can see, these are worm. Yes, ये worm है। कौन से worm है? Bombyx mori। और ये कौन सी leaf है? ये है mulberry leaf। अब ये देखिए, ये जो white color में जो भी है वो सब worms है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे लोग exhibition के लिए खड़े हुए हैं और इन्होंने नीचे एक wood के table के ऊपर ये leaf रखे हुए हैं और इस लीफ के ऊपर ये वॉर्म्स छोड़ दिए गए। तो ये वॉर्म्स क्या कर रहे हैं, ये मुलबेरी लीफ खा रहे हैं और सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देखिए उनका जैसे कॉटन बॉल कैसे बनता है, ये ऐसे ककून, सिल्क ककून है। यू कैन सी दीज आर द वाइट कलर्स आर मुलबेरी, यू कैन सी दिस इज अ क्लोथ, जैसे हम कहते हैं सिल्क क्लोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक दैट। So now we are at the final targets point of our chapter, that is nothing but lake culture. Yes, सबसे पहले lake culture मतलब क्या? Lake culture, it is
it is growing of tachardia leka to produce lake. ठीक है, अभी आप देखिए लेक कल्चर का मतलब क्या होता है. लेक कल्चर मतलब सबसे पहले आप ये देखिए लेक का मतलब क्या होता है. यस, लेक मींस रेजिन लाइक सब्सटेंस. यस, आपको पता है शायद रेजिन का मतलब क्या होता है. रेजिन एक ऐसा केमिकल होता है जो ऐसी सरफेस को, मतलब जैसे व्हाइट बोर्ड है या तो टीवी है, एलसीडी है, एलईडी है, ग्लास है या तो पेंट है, कलर है, इन सबको पॉलिश करने में इंपॉर्टेंट, उन सबको पॉलिश करने में ये यूज होता है. ठीक है, मैं आपको बताता हूं. देर आर सो मेनी मिरर. यस, इवन दो पिंग बॉल स्नूकर द गेम विच वी यूज स्नूकर दिस बॉल्स आर बेसिकली पॉलिश. The balls of a pin ball are polished. LCD, LED glasses are polished. Even the whiteboard surfaces are polished by resin-like substance. This resin-like substance in chemistry we call it resin. In biology we call it as a lac. Biology में हम इस chemical को हम कहते हैं lac. लेकिन chemistry में हम इसे कहते हैं resin. तो ये lac कौन produce करता है? Lac एक कीड़ा produce करता है, worm. जिस वॉर्म को हम कहते हैं टेकर्डिया लेका, जैसे हमने अभी देखा. सिल्क वॉर्म कैसे प्रोड्यूस होता है? तो कुछ ऐसे लीव्स होते हैं, मुलबेरी लीव्स, उसके ऊपर बॉम्बिक्स मोरी को ग्रो किया जाता है और बॉम्बिक्स मोरी उसे खाने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. सेम वे उसी तरह से टेकर्डिया लेका बर पलस पीपल कुसुम बबल बबुल, इनमें से कोई भी प्लांट के लीफ के ऊपर अगर आप टेकर्डिया लेका को ग्रो करते हो तो ये उस लीफ को खाएंगे और अपने डर्मल ग्लैंड से कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे और वो वेस्ट मटेरियल होगा लैक, जो स्टार्टिंग में इम्प्योर होगा लेकिन जब हम उसे प्योर करेंगे, फिल्टर करेंगे, क्लियर करेंगे, तब वो रेजिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रेजिन इन सब चीजों में यूज किया जाता है. क्लियर एवरीवन? दैट इज अ लेक कल्चर. तो हमने पूरे के पूरे इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर, ये जो चैप्टर था इसमें से ये सबसे छोटा पॉइंट था. इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा मैनेजमेंट ऑफ फार्म. दस मिनट. ठीक है, लेक कल्चर में बस इतना ही होता है. इसे एक बार लेक कल्चर देख लीजिए. लेक कल्चर इज वन टाइप ऑफ अ बिजनेस इन विच वी आर growing the worm called as a tachardia leka on a leaf of a bur, peepal, kusum, babul, etc. etc. just to produce one type of a chemical called as a lac. In chemistry it is called resin. It is useful for the purpose of cleaning, polishing glasswares, clear surfaces, LCD, LED, you can say some sports games equipment, etc. etc. They are also used to put into the colors. होम कलर्स जस्ट फॉर गिविंग अ मोर शाइनिंग टू द पेंट कलर. सो ये पूरे के पूरे चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में देखा इंट्रोडक्शन टू द एनिमल हस्बेंड्री, केयरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. एक शब्द याद रखे, लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक का मतलब होता है जितने एनिमल टोटल हैं जो हमें बिजनेस पर्पज में यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं लाइव स्टॉक. और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 80% लाइव स्टॉक इंडिया और चाइना में है. मतलब पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं उनमें से सबसे ज्यादा 80% लाइव स्टॉक इंडिया और चाइना मिला के ही है. ठीक है, सो सबसे पहले हमने देखा मैनेजमेंट ऑफ, फर्स्ट वी डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल, देन वी डिस्कस डेयरी मैनेजमेंट, देन वी डिस्कस पोल्ट्री मैनेजमेंट, देन वी डिस्कस एनिमल हस्बेंड्री, देन वी डिस्कस एपिकल्चर, एंड देन टुडे वी डिस्कस अबाउट फिशरी, देन वी डिस्कस अबाउट सेरिकल्चर, एंड देन फाइनली वी डिस्कस अबाउट लेक कल्चर. सो दिस वॉज अ टॉपिक animal husbandry from the chapter enhancement in food productions. From tomorrow we will discuss microbes in human welfare. Thank you so much. Have a good day.
Hello students, understood everyone? Come on. Hello, understood everyone? Chalo. Yes.